हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। मैं आपकी टीचर मिसेस टीना निम्बाले एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट जनरल साइंस ऑफ स्टैंडर्ड सिक्स, उसका नाइन्थ चैप्टर मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, इसका पार्ट सेकेंड। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में इसका पार्ट वन देख ही लिया था, अब हम लर्न करेंगे इसका पार्ट सेकेंड। सो देखिए यहाँ पे, इन विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैन यू सी ऑसिलेटरी मोशन। देखिए, ऑसिलेटरी मोशन हमने लास्ट वीडियो में देख ही लिया था। देखिए यहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, यहाँ पे देखिए, ये मेरी गो राउंड है, ये फैन है और ये बर्ड्स है। ओके, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लीनियर मोशन। द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मूव इन अ सर्कुलर मैनर। आपको तो पता है कि हैंड्स ऑफ क्लॉक होता है वो सर्कुलर मैनर में मूव होता है। सिमिलरली अ फैन, फैन भी उसी तरह, अ जायंट व्हील एंड अ मेरी गो राउंड कंप्लीट ईच राउंड अलॉन्ग अ सर्कुलर रूट। देखिए, फैन का भी रूट सर्कुलर होता है, जायंट व्हील का और मेरी गो राउंड का भी पाथ सर्कुलर होता है। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट ट्रेस अ सर्कुलर पाथ। देखिए, हमारे दैनंदिन जीवन में, डे टू डे लाइफ में, हम ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं कि उनका जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है और ऑब्जेक्ट्स उस पाथ को ट्रेस करते हैं, सर्कुलर पाथ को। ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं अभी अभी हमने देखे, जैसे कि फैन, जायंट व्हील, मेरी गो राउंड एक्सेट्रा। सो यहाँ पे देखिए, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। विच अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन कैन यू गिव, आप बता सकते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं। नाउ वी सी फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन एंड सर्कुलर मोशन दैट सम ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट वन राउंड और वन ऑसिलेशन इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि अभी अभी हमने देखा कि फैन को सर्कुलर राउंड और मेरी गो राउंड को सर्कुलर राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने में एक फिक्स टाइम लगता है और स्विंग को आगे पीछे जाने में भी एक टाइम सेम लगता है इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि देखिए, फॉर एग्जांपल, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक कंप्लीट्स वन राउंड इन एग्जैक्टली 60 मिनट्स एवरी टाइम। देखिए, जैसे कि क्लॉक का मिनट हैंड होता है, उसको वन राउंड कंप्लीट करने के लिए क्या लगता है, 60 मिनट्स लगते हैं एवरी टाइम, यानी कि वन आवर कंप्लीट करने में हर बार। उसी तरह व्हाइल अ मेरी गो राउंड ऑल्सो कंप्लीट्स एवरी राउंड इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। ये सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स है। और ऑसिलेटरी मोशन में है, जो स्विंग होता है उसको आगे पीछे जाने में, आगे जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम पीछे आने में लगता है। सो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन एंड द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन इज द मेरी गो राउंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे, सच मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। देखिए यहाँ पे, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच पासेस थ्रू अ सर्टन पॉइंट अगेन एंड अगेन आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ओके, नाउ चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ गार्डन। देखिए फिगर 9.7 में, व्हाट यू ऑब्जर्व कैन यू टेल, व्हाइल चेसिंग अ बटरफ्लाई इन अ गार्डन डू यू रन अलॉन्ग अ डेफिनाइट पाथ और इन द सेम डायरेक्शन ऑल द टाइम, नॉट रियली। देखिए, जब आप तितली को गार्डन में देखते हैं और उसका उसको जब आप ट्रेस करते हैं तो वो क्या करती है, उसका जो रूट होता है, पाथ होता है उसका, वो अपना एक डेफिनाइट पाथ नहीं होता है और बटरफ्लाई डजंट अक्रॉस इन द सेम डायरेक्शन। देखिए, आप जब तितली के पीछे दौड़ते हैं तो तितली क्या करती है, यहाँ से जाती है, इधर उधर जाती है, इस फूल पर बैठती है, दूसरे फूल पर जाती है, तो उसका डायरेक्शन होता है वो सेम नहीं होता है।
अ बटरफ्लाई कॉन्स्टेंटली फ्लिट्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। तितली क्या करती है, एक फ्लावर से उड़कर दूसरे फ्लावर पर बैठ जाती है। देर इज अ नो डेफिनेट डायरेक्शन टू इट्स मोशन, उसकी अपने मोशन में उसका कोई अपना डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होता है। सच मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। तो उसके बटरफ्लाई के मोशन को हम कौन सा मोशन कहेंगे, रैंडम मोशन। ओके, द मोशन दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड कंटिन्यूली इज कॉल्ड रैंडम मोशन। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट होता है अपना डायरेक्शन चेंज करता है एट द टाइम ऑफ मूविंग, और ये जो उसका स्पीड होता है वो कंटिन्यूली बदलता जाता रहता है, तो इस स्पीड को हम क्या कहेंगे, रैंडम मोशन। ओके, द मोशन ऑफ द प्लेयर्स इन अ गेम ऑफ फुटबॉल इज ऑल्सो ऑफ दिस टाइप। आपने फुटबॉल का गेम तो देखा ही होगा कि वहाँ पर प्लेयर कैसे फुटबॉल के पीछे पीछे जाते हैं, तो फुटबॉल की कोई डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं होती है। सो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ रैंडम मोशन। द मोशन ऑफ अ क्रॉलिंग बेबी और अ वॉन्डरिंग एनिमल इज ऑल्सो रैंडम मोशन। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर इज द स्पीड। स्पीड यानी तेजी। देखिए, अ बस कवर्स द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 200 किलोमीटर्स फ्रॉम सोलापुर टू पुणे इन 5 आवर्स। बस अपना डिस्टेंस कितना कवर करती है, 200 किलोमीटर, कहाँ से कहाँ पर जाने तक, फ्रॉम सोलापुर टू पुणे, और कितने घंटों में, इन 5 आवर्स। हाउ मच डिस्टेंस डज द बस कवर इन 1 आवर। तो आपको ये देखना है कि ये बस 1 आवर में कितना सारा डिस्टेंस कवर करती है। ओके, वाइल सॉल्विंग दिस एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है यहाँ पर, वाइल सॉल्विंग दिस एग्जाम्पल वी टेक द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवर्स दैट डिस्टेंस। देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला है, यहाँ पे द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। फ्रॉम दिस रेशियो वी कम टू नो द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय द बस इन 1 यूनिट ऑफ टाइम। ये जो रेशियो है लाइक दिस, ये रेशियो बहुत ही नेसेसरी है टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल। जैसे कि वी टेक द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवर्स दैट डिस्टेंस। देखिए, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, स्पीड, स्पीड निकालना है। जैसे कि ये डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड अपॉन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवर्सिंग द डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, द स्पीड इन 1 यूनिट ऑफ टाइम। सो यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर हो सकता है और मीटर पर सेकंड भी हो सकता है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर अ मूविंग ऑब्जेक्ट मे नॉट हैव ओनली वन टाइप ऑफ मोशन। जो भी ऑब्जेक्ट मूव होता है उसका अपना एक ही टाइप नहीं होता है मोशन का। नाउ वॉट वी हैव लर्न्ड, नाउ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन आर दोज दैट चेंज देयर पोजिशन कंटिन्यूअसली। ओके, देन सेकेंड इज द वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन आर लीनियर, यूनिफॉर्म लीनियर, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर, ऑसिलेटरी, सर्क्यूलर, पीरियोडिक एंड रैंडम मोशन। देन थर्ड इज द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। एंड द लास्ट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवर्स अ सर्टन डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए, यहाँ पे आपको मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन समझ में आए ही होंगे, तो आपको इस लेसन को अच्छी तरह से रीड करना है और समझ भी लेना है। तो चलिए, वॉच कीजिए हमारे इस वीडियो को, तब तक मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।